फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर टेक्निकल रुशेद यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि बहुत ही ट्रेंडिंग गैजेट चल रहा है ना आजकल आईपीएल के ज़माने में, जो कि है जियोडाइव वीआर। उसमें क्या होता है, बेसिकली हम उसको अपने सर पे लगाते हैं और उसको आंखों में पहनते हैं और उसके अंदर फ़ोन रख देते हैं और फिर हम वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत ही अच्छा हमें मैच वगैरह दिखता है। तो ये थी हमारी नई टेक्नोलॉजी। अब देखो, नई टेक्नोलॉजी कभी भी आती है ना, तो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं जो कि हमारे बेसिकली फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट भी डाल सकती हैं। तो उनमें से यही एक टेक्नोलॉजी जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, जिसके अंदर सबसे पहला असर पड़ने वाला है हमारी आइज के ऊपर और सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास ऊपर असर पड़ने वाला है ब्रेन के ऊपर। अब वो कैसे पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं वही चीज़ें खोल खोल कर बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा साइंटिफिकली कि कैसे किस तरीके से बेसिकली इस वीआर का, या फिर और बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर वीआर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जियो डाइव हो गया, फिर और भी कुछ वीआर आ रहे हैं उन सब के बारे में, ये सब के सब कैसे हमारी आइज को, आइज स्ट्रेन और हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले साइंटिफिकली समझते हैं कि हमारी आंखों को इफेक्ट कैसे करता है। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो हमारा नॉर्मल देखने का डिस्टेंस है, जिसके ऊपर हमारी आईज पर सबसे कम इफेक्ट पड़ता है देखने पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो होता है 25 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 30 सेंटीमीटर भी। तो मतलब इतना एक रेंज होती है उसकी, तो वो नेचुरल होता है कि आईज टू आईज डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो हम यहाँ पर एवरेज लेके चलते हैं 25 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपने हैंड को देख रहा हूँ और ये मेरी आईज से 25 सेंटीमीटर दूर है, तो इट्स अ गुड डिस्टेंस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं यही हाथ अपने आंखों के आगे ले आऊँ तो देखो मेरी आंखें भेंगाने लगी। ठीक है, और मुझे जोर पड़ रहा है मेरी आंखों पर, ठीक है, मेरी आंखों पर जोर पड़ रहा है इसको देखने पर। तो यहाँ तक तो मुझे बहुत ईजिली दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी आंखों पर जोर पड़ने लगा। इसी चीज़ को कहते हैं हम आई स्ट्रेन। ठीक है, और यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है वीआर के अंदर। वीआर हमारी आंखों के ऊपर, मतलब मुंह पर ही सेट होता है, ठीक है, और फोन उसके अंदर इतनी पास रखा हुआ होता है। मान लीजिए ये देख सकते हैं आप, हद से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा फोन के और आपके बीच में, 3 से 4 सेंटीमीटर का। लेकिन लेकिन उसके अंदर लेंस लगे हुए होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको दूर कर देता है। तो दूर करने के बाद क्या होता है, बेसिकली वो डिस्टेंस बढ़ जाता है उन वीआर के अंदर जो लेंस होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई यहाँ तक तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन लेंस लगे हुए हैं, लेंस ने दूर कर दिया, तो अब हमें सही दिखना चाहिए। ये बात सही है, इसी की वजह से हमारी आंखों पर कम इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उसमें लेंस लगे हुए होते हैं। लेकिन कुछ भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंखों पर फिर भी, अगर लेंस भी हम यूज़ कर रहे हैं वीआर के अंदर, जो लेंस लगे हुए होते हैं उनके थ्रू भी हमारी आंखों पर कहीं ना कहीं वर्चुअल इफेक्ट पड़ता है, और उस वर्चुअल इफेक्ट की वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट बेसिकली दूर नज़र आता है। और वो जो वर्चुअल इफेक्ट पड़ता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं, ठीक है, लेकिन एक बंदा है जिसको 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा होगा अगर मैं उसका चश्मा पहनूंगा, ठीक है, मैं उसका चश्मा पहनूंगा, मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर मैं उसका चश्मा पहनता हूँ, वो जो लेंस हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरी आंखों को इम्पैक्ट देगा, कहीं ना कहीं मेरी आंखों को इम्पैक्ट देगा। ठीक इसी तरीके से जो वीआर के जो लेंस हैं, वीआर के जो लेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरी आंखों को इम्पैक्ट करते हैं। अब देखो, ऐसी कोई स्टडीज नहीं है जो प्रूफ करती हो कि वीआर की वजह से परमानेंट बंदों की आई डैमेज हो चुकी है, ठीक है, ऐसी कोई भी स्टडीज नहीं है, ना ही कोई केस सामने आया है, लेकिन इसके ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं, लाइक टेम्परेरी विजन लॉस, विजन ब्लरी, डबल विजन, तो ऐसे बहुत सारे केस आए हैं वीआर के। तो जो वीआर के लेंस बनाती हैं कंपनियां, वो खुद रिकमेंड करती हैं every 30 मिनट्स के बाद आपको 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। तो ये था कि अभी तक हमारी आईज के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। इसमें सबसे कॉमन कॉज है हमारा आई स्ट्रेन होना, ठीक है, और ये छोटे मोटे कॉज हैं जैसे कि टेम्परेरी विजन ब्लर और डबल विजन, तो ये सारे लाइक क्लाउड विजन, ये सारे मतलब इसके छोटे छोटे कॉजेज हैं, लेकिन जो मेन कॉज है इसका आई स्ट्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे ब्रेन पर कैसे असर पड़ता है। हमारी जो आईज होती हैं वो बेसिकली ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं, यहाँ से नजर जा रही होती है, ठीक है। अब हम कुछ भी चीज़ देखते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके नया चश्मा लगाया, तो
नया चश्मा लगता है आपके, तो आपको सर में दर्द होने लगता है, या जिस जिसने पहली पहली बार चश्मा लगाया होगा उसके सर में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो लेंस हैं, वो जो चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उस चीज़ों को मैनिपुलेट करके हमारी आंखों के रेटिना तक लेकर आया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नेचुरल नहीं होता। वो बेसिकली एक वर्चुअली चीज़ है, वर्चुअली उस चीज़ को हम उस लेंस के थ्रू अपनी आंखों के रेटिना तक पहुंचाते हैं। तो रेटिना से जो नसें जा रही होती हैं उन पर लोड पड़ता है, और वही होता है हेडेक का कारण। अब हेडेक होना भी अच्छी बात नहीं है, तो वो बेसिकली इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डालता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बेसिकली हेडसेट को देखते हैं, वीआर हेडसेट को, तो ऐसे में क्या होता है, बेसिकली आपको डिजीनेस हो जाती है, और या फिर नींद नहीं आना रात को, या फिर ज़्यादा देर तक सोना, सर भारी हो जाना, तो ये सारे इसके कोज हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीआर से बचकर रहो। अगर आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना है तो थोड़ी सी देर लगाओ, और जो कंपनी ने कॉशन दी है उनको बेसिकली पूरा का पूरा फॉलो करो, क्योंकि कंपनियां खुद ही कहती हैं कि एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू रिमूव योर वीआर हेडसेट फॉर 15 to 20 मिनट्स टू टेक अ रेस्ट। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये जो फिलहाल अभी आईपीएल के अंदर स्पेशल चल रहा है जियो डाइव, ठीक है, तो इससे बच के रहें। बच के क्यों रहें? क्योंकि ऐसा है कि जब अगर आप आईपीएल वगैरह देखोगे तो वो तो आप पूरे 4 घंटे का ही देखोगे ना, 3 से 4 घंटे का कास्ट होता है, तो वो आप पूरा 3 से 4 घंटे का देखने वाले हो, और फिर जब मजा आएगा तो भाई कोई नहीं उतारेगा उसे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बच के रहो। अब ये वीडियो ना मैं बेसिकली जियो डाइव को टारगेट करके नहीं बना रहा हूँ, ये सारे वीआर के बारे में है जो भी मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो डाइव ही बेसिकली इसका मेन कॉज है, या जियो डाइव से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जितने भी वीआर हैं वो सब इसमें शामिल है। अब जियो डाइव का सिर्फ मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि आजकल आईपीएल की वजह से जियो डाइव ट्रेंड में चल रहा है, और वो नया प्रोडक्ट आया है, और उसके पीछे लोग बाग पागल हो रहे हैं कि आईपीएल हमें जियो डाइव के अंदर देखना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जो जियो डाइव यूज कर रहे हैं उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो मन में वो करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने को ख्याल रखें।